अवज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम ला रही हूँ मीठी दही बूंदिया, तो इसके लिए मैंने एक पाव दही लिया है और अब इसमें मैं चीनी मिलाऊंगी। ये मीठे दही बूंदिया है जो बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे, अब इस तरह से बना के देखते हैं। एक दो और तीन चम्मच 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाली है और ये मेरे पास ऑल्पर है मिल्क, वो इसमें डालूंगी। तो ये मेरे पास स्टील का कप है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं दिखाऊंगी कितना, ये मैंने इतना लिया है, ये एक कप है, उसमें समझें ये आधी से कम प्याली है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और इसका हम और हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप डालेंगे एक चुटकी में, हाफ कर दी, हाफ में डाल रही हूँ नमक डालेंगे, बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। और अब इसको हम दोबारा मिक्स कर देंगे, इसको अब हम मिक्स कर देंगे दोबारा, और इसको 2-3 घंटे के लिए आप रख लें। तो ये आप उनका बिल्कुल बाजार जैसा दही बनेगा, बिल्कुल बाजार जैसी दही बूंदी होती है, इससे बनेंगे आप लोग ये रेसिपी जो ट्राई करेंगे। और ये जब दही हमारा हो जाएगा तो फिर हम इसकी बेसन की बूंदियाँ बनाएंगे। तो अब इसको मैं अपने फ्रिज में रखेंगे 2-3 घंटे के लिए, फिर हम इसकी बेसन की बूंदियाँ बनाएंगे। तो कोई भी खा के ये नहीं कह सकेगा कि ये घर की बूंदियाँ हैं, मीठी बूंदियाँ, मीठे दही बड़े या मीठी बूंदियाँ आप कह सकते हैं। तो ये मैं फ्रिज में रख रही हूँ, तो जैसे ये तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसकी बेसन की बूंदियाँ बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप भर के बेसन ले लिया है, अब मैं इसमें 4 मसाला डालूंगी। ये हम दही बूंदी की तैयारी कर रहे हैं। दही मेरे अच्छे से हो गए थे, मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है क्योंकि उसमें मुझे बूंदियाँ बना के डालनी है। और 1 चुटकी काला नमक है, ये हम इसमें डालेंगे। जीरा है 1 टीस्पून, साबुत धनिया है 1 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून भर के। पिसी लाल मिर्च है 1 टीस्पून भर के। नमक है 1 टेबल स्पून तकरीबन, आप अपने हसबे जायका अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे बैटर को, और फिर हम दिखाते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है आपको। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अच्छा, इसमें हमने सोडा भी डालना है, सोडा, क्योंकि अगर हमने सोडा नहीं डाला तो इससे होता है कि आपके पकौड़े बहुत सख्त हो जाते हैं, तो सोडा डालना बहुत ज़रूरी है। तो 1 चुटकी हम सोडा डालेंगे, ये मैंने बहुत पिंच डाला है, यानी 1 चुटकी हमने सोडा डाला है इसमें। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालने, कभी भी इस तरह से ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि इससे होता है कि आपका जो बैटर है वो पतला भी जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा डाला है, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अभी मैं और डालूँगी। तो मैं ये करके आपको दिखाती हूँ। फिर ये देखें, बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अपने इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें गुठलियाँ ना रहें। तो अभी भी देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं स्पून से डालूँगी। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसको डालना शुरू करते हैं, जो कि हमें बूंदियाँ बनानी है। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ये ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना बहुत ज़्यादा पतला हो। तो अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो आप ये मैं छोटी छोटी बनाती हूँ, इसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं, हर एक अपना अपना अलग होता है। मुझे छोटी छोटी पसंद है, जैसे मैं छोटी छोटी करके डाल रही हूँ। ये बहुत ही लजीज और मज़े की बनेंगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने इसमें मसाले डाले, मीठा दही बनाया, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह से मैंने बना के फ्रिज में दिया, तो बिल्कुल बाजार जैसे ही बनेंगी। तो जैसे ही फ्राई होती हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बूंदी हमारी अच्छे से हो गई है, अभी पहले मैं इसको स्ट्रेनर में निकालूंगी, तो ताकि इसका ऑयल अच्छे से निकल जाए। कभी भी गरम गरम बूंदियाँ दही में नहीं डालें, इससे होता है कि जो बूंदियाँ होती हैं आपके दही को पी लेती हैं और आपका दही भी कम रह जाता है और सारा वो मज़ा नहीं होता है। तो ये अच्छे से हमने निकाल लिए दही बूंदियाँ, और ये देखें यहाँ हमारे अच्छे से दही बूंदियाँ हो गई हैं। तो अब मैं इसको दही में डालती हूँ, फिर आपको प्लेट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने प्लेट आउट कर ली है दही बड़ी। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, कमेंट्स में बताएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बिल्कुल ही बाजार जैसे बने हैं ये। तो बूंदी हमारी ठंडी हो गई थी, तो हम इसको इसमें डाल देंगे।
और अच्छे से मिक्स कर देंगे। नहायती क्रिस्पी और मज़े की बूंदियाँ बनी हैं और अब हम इसको मिक्स करते हैं। आप इसमें चाट मसाला और ये मीठा दही वगैरह पापड़ी सेव सब डाल सकते हैं। चटनी की रेसिपी आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिलेगी। तो ये नहायती लजीज मीठे दही बड़े बने बिल्कुल बाजार जैसे। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए मैंने प्लेट आउट कर ली दही बड़ी। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिल्कुल ही बाजार जैसे बने हैं ये।